मार्च से शुरू हुए कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से अब शहर में फैल रहा है। इस महामारी से अब कोई कार्यालय, व्यवसाय, प्रतिष्ठान अछूता नहीं है। प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी हो या फिर डॉक्टर, नर्स, सबको महामारी ने अपनी चपेट में लिया है। अब कोरोना शहर के मीडिया में भी दस्तक दी है और 3 पत्रकारों को अपने आगोश में लिया। हमारे NBCN न्यूज चैनल एवं नागपुर मेट्रो समाचार वाड़ी के संवाददाता सुनील शेट्टी, मराठी अखबार लोकशाही वार्ता के नितिन पाजघरे और एक मराठी अखबार के सागर जाधव, इनका कोरोना संक्रमण से दुखद निधन हुआ है। नागपुर में कोरोना ने अब मीडिया को भी अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। शहर में कोरोना से 3 पत्रकारों की मौत हो गई है। इसमें से एक NBCN न्यूज चैनल और नागपुर मेट्रो समाचार के वाड़ी स्थित संवाददाता सुनील शेट्टी थे, तो वही दूसरे मराठी दैनिक सकाल के पूर्व प्रूफ रीडर सागर जाधव शामिल है, तो तीसरे पत्रकार नितिन पाजघरे जो कि मराठी अखबार में थे। दैनिक सकाल के पूर्व प्रूफ रीडर सागर जाधव, इन्होंने हाल ही में सकाल को छोड़ा था और किसी दूसरे अखबार में काम कर रहे थे। शालिनी ताइमेगे अस्पताल में COVID-19 के इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बता दें कि सुनील शेट्टी NBCN न्यूज चैनल से कई वर्षों से जुड़े हुए थे, नागपुर मेट्रो समाचार की शुरुआत से ही वाड़ी से संवाददाता थे। अपने पत्रकारिता के करियर में उन्होंने शहर और लोगों की समस्याओं को बखूबी उठाया। अपने इसी गुण के कारण वे लोगों के बीच लोकप्रिय और अलग पहचान रखते थे। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से वाड़ी के पत्रकार जगत में शोक की लहर है। NBCN न्यूज चैनल नागपुर मेट्रो समाचार की ओर से स्वर्गीय शेट्टी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहीं वाड़ी पत्रकार संघ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। तो शहर के मराठी अखबार लोकशाही वार्ता में कार्यरत HR नितिन पाजघरे का आज तड़के 3 बजे कोरोना संक्रमण के बीच हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। जानकारी के अनुसार लगभग 15 दिन पहले शहर में लॉकडाउन खुलने पर नितिन और उनके कार्यालय के मालिक के बीच बातचीत हुई थी कि अभी तक सभी ने अखबार का काम घर से शुरू किया, लेकिन अब बाजार खुल रहा है, कार्यालय भी शुरू करने हैं। इसके लिए नितिन ने सभी को कोरोना टेस्ट करके ऑफिस आने के लिए कहा था। नितिन ने खुद भी अपना कोरोना टेस्ट किया तो उसमें हल्के संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए, तो इलाज कराने के लिए 7 स्टार अस्पताल गए और 15 दिन में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और आज तड़के 3 बजे कोरोना संक्रमण के बीच हार्ट अटैक आया और उनका निधन हुआ। 15 दिन पहले उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था और समय मीडिया के कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी थी और 15 दिन के बाद ही उनका निधन होने से शोक है। इन तीनों लोगों के निधन से शहर के मीडिया जगत में शोक की लहर है। इन तीनों को NBCN परिवार की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।